लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन हुआ था केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग रिएक्शन के रेट और रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर के बारे में स्टडी किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे थे, रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। जो रिएक्शन को होने में कुछ दिन या कुछ साल लग जाते हैं उसे वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं, जैसे कोयले का बनना। वेरी फास्ट रिएक्शन, जो रिएक्शन इंस्टेंट में हो जाए, एक ही क्षण में हो जाए, उसे कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे एक्सप्लोसिव रिएक्शन। तीसरा देखे थे मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का जो रेट होता है वो वेरी फास्ट रिएक्शन से कम और वेरी स्लो रिएक्शन से अधिक होता है, जैसे हम लोग देखे थे केन शुगर का इन्वर्सन। उसके बाद हमको देखना था, हम लोग पढ़ना चाह रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आज इसको पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। कंसंट्रेशन के रेट ऑफ चेंज को, कंसंट्रेशन के रेट ऑफ चेंज को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एकांक समय में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में लिख लेंगे, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक मीन्स रिएक्टेंट, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। नोट करेंगे, इकाई समय में
अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। लिख लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को R से अगर डिनोट करते हैं तो यह हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल और टाइम टेकन, टाइम टेकन। अभिक्रिया की दर सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, यानी कि R इज इक्वल टू हो गया डेल्टा C बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा टी चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ओके, मिटा देते हैं। इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट का यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर कोई रिएक्शन है तो उसका दो पार्ट होता है, एक पार्ट हो गया रिएक्टेंट, दूसरा पार्ट हो गया प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस होगा और प्रोडक्ट का अपीयरेंस होगा, यानी कि रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट बनेगा। तो लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट के गायब होने की दर, रिएक्टेंट के गायब होने की दर बराबर प्रोडक्ट के बनने की दर, प्रोडक्ट के बनने की दर। जिस रेट से रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा उसी रेट से प्रोडक्ट अपीयर होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। इम्पोर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल में अप्लाई हम लोग करेंगे, ध्यान देना है। मिटा देते हैं इसको।
रिएक्टेंट को अगर हम लोग आर से डिनोट करेंगे और प्रोडक्ट को पी से, तो रिएक्टेंट हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, घटेगा, तो घटने का साइन हम लोग लगाएंगे माइनस, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा को हम लोग डी भी लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी, किसी इंस्टेंट पर अगर टाइम का वैल्यू बहुत कम ले लिया जाए तो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी याद रहेगा। तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट साइड में हम लोग प्लस लगाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा और प्रोडक्ट एपियर होगा, केमिकल रिएक्शन में ऐसा ही होता है। मिटा देते हैं, इन जनरल अगर हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन ले लिए ए ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी, तो रिएक्टेंट साइड कौन सा है, एल एच एस वाला, प्रोडक्ट का साइड है आर एच एस वाला, ए बी सी डी में ए और बी रिएक्टेंट साइड है, सी और डी प्रोडक्ट साइड है, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आपको पहले ही बताए हैं, आर इज इक्वल टू, ध्यान देना है रिएक्टेंट साइड में हमको लगाना है माइनस, माइनस वन बाई ए इंटू डी ए बाई डी टी, माइनस वन बाई ए इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई बी इंटू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस वन बाई सी डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस वन बाई डी इंटू डी डी बाई डी टी। इसमें माइनस डी ए बाई डी टी क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी क्या है, यह है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ए के गायब होने की दर, ए के गायब होने की दर, ए किस रेट से डिसअपीयर हो रहा है, वह हो गया माइनस डी ए बाई डी टी। इसी प्रकार आप लोग लिखेंगे, लिख लिए, माइनस डी बी बाई डी टी क्या है, माइनस डी बी बाई डी टी क्या है, यह है रेट ऑफ डिपियरेंस, रेट ऑफ
डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बी के गायब होने की दर, बी के गायब होने की दर प्लस डी सी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सी के बनने की दर, सी के बनने की दर, सी के बनने की दर प्लस डी डी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, डी के बनने की दर। तो जो रिएक्टेंट साइड था वह डिसअपीयर होगा, जो प्रोडक्ट साइड था वह अपीयर होगा। तो जो डिसअपीयर होगा, जो गायब होगा, उसमें लगाएंगे माइनस, और जो बनेगा उसमें लगाएंगे प्लस, जो बनेगा उसमें लगाएंगे प्लस। मिटा दें। अब जैसे आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान देना है आपको। मान लिया जाए कि हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं N2 प्लस 3H2 और यह बना दिया 2NH3। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखिए आप लोग क्या बनाएंगे, R इज इक्वल टू माइनस डी N2 बाई डी टी इज इक्वल टू -1/3 डी बाई डी टी H2 इज इक्वल टू 1/2 डी बाई डी टी NH3। नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/2 डी बाई डी टी NH3। देखिए NH3 आपका प्रोडक्ट साइड में है तो इसमें आ गया प्लस, जो रिएक्टेंट साइड में है वह हो गया माइनस, नंबर ऑफ मोलेकुल्स जो है वह हो गया बाई 1/3, H2 में 3 है तो 1/3, N2 में 1 है तो 1/1, NH3 में 2 है तो 1/2। एक और एग्जांपल देखेंगे, इसे आपको दिया गया 2A प्लस 3B रिएक्शन करके बना दिया 4C। रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे क्या होगा, R इज इक्वल टू 1/2 इंटू dA बाई dt इज माइनस 1/3 डी बाई dt बी प्लस 1/4 डी बाई dt सी, डी बाई dt सी। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालेंगे। मिटा दें।
अब देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्वेश्चन आप लिखने के बाद अपने से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आप हमारा सॉल्यूशन देखेंगे, तब तक आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने मन से इसको सॉल्व करेंगे। हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, फॉर ए रिएक्शन एन टू प्लस थ्री एच टू टू एन एच थ्री बना दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब आपको चार ऑप्शन यहाँ पर हम लिख देते हैं, माइनस डी बाई डी टी एन टू इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एच टू। ऑप्शन नंबर बी है माइनस डी बाई डी टी एच टू इज इक्वल टू प्लस डी बाई डी टी एन एच थ्री। ऑप्शन सी है, धीरे धीरे स्क्रीन को स्लाइड करके आप लोग क्वेश्चन को लिखेंगे कॉपी में और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। माइनस डी बाई डी टी एच टू इज इक्वल टू टू बाई थ्री डी बाई डी टी एन एच थ्री। और ऑप्शन नंबर डी है माइनस डी बाई डी टी एच टू बराबर थ्री बाई टू डी बाई डी टी एन एच थ्री। क्वेश्चन को सब लोग लिखेंगे, ऑप्शन भी लिखेंगे कॉपी में, तब इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सब लोग ट्राई करें। स्क्रीन को रोक देंगे और उसके बाद अपने से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको मिलाएंगे। क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं, आप लोग क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे, उतारेंगे। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वह है एन टू प्लस थ्री एच टू बना दिया टू एच एन थ्री। तो जो हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताए थे, आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलएचएस साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, एलएचएस साइड में क्या लिखेंगे, माइनस माइनस डी बाई डी टी एन टू बराबर माइनस वन बाई थ्री डी बाई डी टी एच टू बराबर टू सॉरी वन बाई टू डी बाई डी टी एच एन थ्री एन एच थ्री। बोलिए, ये लिखने में किसी को दिक्कत? अब हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है वह ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एच टू और एच एन थ्री के बीच में दिया गया है, हम इसको लिखते हैं माइनस वन बाई थ्री डी बाई डी टी एच टू बराबर वन बाई टू डी बाई डी टी एन एच थ्री। अब देखिए, ये थ्री जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता है, माइनस डी बाई डी टी एच टू
इज इक्वल टू प्लस 3/2 डी बाई डी टी एन एच थ्री, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। स्क्रीन को पॉज करके पहले इसको अपने से सॉल्व करेंगे, सॉल्व अगर अपने से हो जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे। सॉल्यूशन में जहां पर भी आपको दिक्कत होता है, आप अपने ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप पर आप अपने डाउट को लिख करके या फोटो खींच करके सेंड कर दीजिए, आपके डाउट को तुरंत दूर किया जाएगा, दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उतारिए, मिटा दें। अब ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, सभी लोग ट्राई करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। फॉर ए रिएक्शन रिएक्शन दिया गया है 2a प्लस 3b बना दिया 4c, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन भी लिख देते हैं, सब लोग अपने से ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। माइनस db बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dc बाई dt, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी, माइनस db बाई dt इज इक्वल टू 4/3 dc बाई dt, ऑप्शन नंबर सी, माइनस db बाई dt इज इक्वल टू 3/4 dc बाई dt, सब में कंसंट्रेशन में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिज। सब लोग ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करिए अपने मन से, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट लिखिए कॉपी में, फिर उसको अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिए, देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, उसके बाद वीडियो को फिर से ऑन करिए, मेरे सॉल्यूशन को देखिए, जहाँ पर भी आपको डाउट लगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, आपके डाउट को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बनाइए, देखिए जैसे आपको दिया गया है 2a प्लस 3b बराबर 4c, तो r बराबर हम आपको क्या सिखाए हैं, माइनस 1/2 dA बाई dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 db बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/4 dc बाई dt, बताए हैं। अब ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, हर एक ऑप्शन में db और dc के बीच में हमको रिलेशन दिया गया है, हम दोनों को कंपेयर करेंगे, माइनस 1/3 db बाई dt इज इक्वल टू 1/4 dc बाई dt, क्या हो जाएगा, माइनस
डीबी बाई डीटी इज इक्वल टू 3 जाकर इधर मल्टीप्लाई करेगा 3 बाई 4 डी सी बाई डीटी। देखिए आपको कोई ऑप्शन में ये दिया गया है क्या? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे बनाना है, ये आपको आता ही है, बहुत ही आसान है। बन गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर ए रिएक्शन वन बाई टू ए इज इक्वल टू टू बी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। पहले सभी लोग ऑप्शन को लिख लेंगे, उसके बाद अपने से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई टू डी बी बाई डी टी, ऑप्शन बी। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई फोर डी बी बाई डी टी, ऑप्शन सी। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिज, नन ऑफ दिज। चलिए सब लोग ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी कॉपी पर लिखिए और बनाने का प्रयास करिए। बनाने के बाद ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन को दो बार में स्क्रीनशॉट लीजिए, याद पढ़ते हुए वीडियो देखते हुए क्वेश्चन को लिखिए। जब भी आप लोग वीडियो पढ़ने बैठें, अपने पास कॉपी रखें, वीडियो के साथ साथ कॉपी को देखें, कॉपी को पढ़ें, कॉपी पर लिखें, फिर उसको रिवाइज करें। जहां पर बात समझ में नहीं आए वहां पर फिर से वीडियो देखें। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपके डाउट को दूर किया जाएगा, मिटा दिया जाए। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया गया है? 1 बाई टू ए इज इक्वल टू टू बी। रिएक्टेंट साइड को क्या बोले हैं? माइनस। प्रोडक्ट साइड को क्या बोले हैं? प्लस। क्या लिखेंगे? माइनस 1 बाई 2 ए, ए नहीं, डी ए बाई डी टी, आर इज इक्वल टू लिख रहे हैं, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1 बाई 2 डी बी बाई डी टी। ये 1 बाई 1 बाई 2 क्या हो जाएगा आपका? 2 डी ए बाई डी टी। और ये माइनस में है कि प्लस में है? ये है आपका माइनस में, इज इक्वल टू 1 बाई 2 डी बी बाई डी टी। देन R इज इक्वल टू 2 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 बाई 4 हो जाएगा। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई 4 डी बी बाई डी टी। बोलिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, ऑप्शन B इज करेक्ट।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिटा दें। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो देखने से आपको फ़ायदा है कि नहीं है? वीडियो में क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, इसका भी मैसेज आप लोग कर देंगे, आपके दिक्कत को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जितना संसाधन अवेलेबल है उस संसाधन का उपयोग करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनाएंगे। फॉर ए रिएक्शन रिएक्शन लिख देते हैं H2+I2 बना दिया 2HI which of the following option is correct? Which of the following option is correct? ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन ए -D/dt H2 -D/dt I2 2×D/dt HI ऑप्शन बी लिखेंगे, -2×D/dt × H2 2×D/dt I2 D/dt × HI ऑप्शन सी लिखेंगे, -D/dt H2 −D/dt I2 −D/dt HI और ऑप्शन डी लिख देते हैं, नन ऑफ दिज। देखिए बनाएंगे, पहले सब लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसान है। कॉपी पर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन अगर नहीं आएगा, आपको सॉल्व करने नहीं आएगा, तभी वीडियो का सॉल्यूशन देखेंगे, अपने मन से बनाने का प्रयास करेंगे, बनाने के बाद एक बार वीडियो का सॉल्यूशन ज़रूर देखेंगे। बनाया जाए, बनाइए, मिटाते हैं इसको। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, इक्वेशन है मेरे पास H2+I2 बना दिया 2HI, ठीक है जी। ठीक, R=, क्या लिखेंगे, -D/dt H2 बराबर -D/dt I2 बराबर +1/2 D/dt HI। ओके, अब देखिए यहाँ का जो 2 है यह इस दोनों में गुना कर सकता है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, R=, -2 D/dt H2 −2
डी बाई डी टी आई टू इज इक्वल टू, ये टू तो ख़त्म हो गया है, डी बाई डी टी एच आई। देखिए कोई ऑप्शन में है क्या, कोई ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉल्यूशन देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज के क्लास में इतना ही रहने दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। थैंक यू।